कुछ दिन पहले IMC वाला लोग जो रोड को बना रहा था गली गली का, बट VIP कॉलोनी में ही क्यों पता नहीं यार, सीमेंट वाला ही रोड था उसमें भी, बट उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग अच्छे से किया गया था, बट दिस टाइम ऐसे FNG लोग में नहीं कर रहे हैं। Somebody is calling me as well, पता नहीं कौन है, we'll see on that later। तो वही हम बोल रहे थे इसके ऊपर पता नहीं ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं चेंग भैया का घर में, और होपफुली तोगम भी अभी तक आ गया होगा, वो गिटार लेके आ रहे हैं नार लगन से, बेचारा बाइक से आ रहा है पूरा धूप में। Let's see। Wow, what a sound, nice cooler। और यहाँ में है चेंग भैया, यहाँ में कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, ये चेंग भैया और ये मैं हूँ। हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत दिन बाद फिर से इस तरह से ब्लॉग कर रहे हैं, एंड आई फील रियली मजा आ रहा है मतलब ब्लॉग करके, क्योंकि कल हम आप लोगों को बहुत ज्यादा लोग को मिला था होली में। बाय द वे हैप्पी होली, अगर अभी अगर आप लोग ये ब्लॉग देखेगा तब तक तो होली का जो समय हो तो पार हो चुका होगा, उसके चलते फिर से सभी को एक बार हैप्पी होली। सो बता दूं कि कल आई वॉज अ होस्ट जोलांग में, होली का समय में था, एंड वहाँ में क्या हो रहा था कि आई मेट सो मेनी पीपल, लाइक ऐसे जो लोग मेरा सब्सक्राइबर्स था और कोई है अभी भी ऐसा वाला, एंड देवर आस्किंग मी कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे ऐसे ऐसा करके, तो वो कहीं ना कहीं हमको छू दिया ऐसा करके। तो हम भी इसलिए सोचा कि आज चलो ना एक ब्लॉग बनाएंगे करके। तो आज का ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, जस्ट लाइक माई प्रीवियस ब्लॉग, आई एम ट्राइंग टू मेक माई ब्लॉग्स डिफरेंटली नाउ डेज, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा मार खा रहा है, एंड टू कम अप विद आइडियाज़ तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, राइट। सो इसीलिए वंस अगेन दिस ब्लॉग इज़ गोना बी अबाउट सिंगिंग। तो मेरा एक फ्रेंड है तोगा मोरी, आप लोग को याद होगा अगर आप लोग पुराना सब्सक्राइबर होगा तो ही इज़ ऑल्सो बी गोना हियर सून, तो उसका साथ मिलकर वो गाएगा, हम प्ले करेगा, ऐसा कुछ तो है सीन, अभी हम लोग कहीं जाएगा उसको भी दिखाएगा आप लोग को। तब तक के लिए आप लोग रुको या मैं और चेंग भैया से मिलो। चेंग भैया से हाय और बताओ चेंग भैया, लाइफ कैसे चल रहा है? ठीक है, अच्छा है। और आज का हम लोग का सिनेमाटोग्राफर, DOP, सब कुछ, लाइटमैन, कैमरामैन, सब कुछ चेंग भाई है ना? चेंग भाई ओके। यहाँ में आ गए हम लोग का साथ मिस्टर तोगा मोरी भी। तोगा बताओ कैसा लग रहा है? बहुत लंबा जर्नी लगे यार उसको। गिटार भारी है क्या? गिटार भारी नहीं, हवा इतना आ रहा है ना, गिटार पूरा ऐसे हो रहा है। चलो आ अंदर आ जा, बैठो आराम से, गिटार को रख दो यहाँ पे। चेंग भाई थोड़ा अंदर गया हुआ है अभी, पति को हार्ड लाइट हियर, तो थोड़ा सा रिहर्सल कर रहा था और सुन रहा था कि कैसा आता है करके, वहाँ में भी ये सब परफॉर्म करने वाला है। सो फार एवरीथिंग नाइस ना चेंग भाई? अरे आपके कपड़ों मजे रहे, एरी सिनेमेटोग्राफर, एंड दैट्स तोगम्स वॉइस बाय द वे। सो वी आर प्लानिंग टू लीव फ्रॉम हियर एट 3:45, क्योंकि हम लोग को ऐसे 2 घंटा दिया गया है हमें शूट करने का। वी आर गोइंग एट ऑल स्पिरिट बाय द वे, और हम जो है गिटार प्ले नहीं करेगा क्योंकि हम लोग इससे पहले एक रिहर्सल करके देख रहे थे जिसमें गिटार का साउंड, मेरा रिदम जो है बहुत ज़्यादा ही गंदा है, एंड इट्स वेरी रॉ, तो इसीलिए थोड़ा मज़ा नहीं लग रहा है साउंड, एंड देर में निकल जाएगा। हम लोग का सिनेमाटोग्राफर सर जो हमको थोड़ा काम लगा दिया, अभी लाइट्स लेने भेज रहे हैं दोनों पूरा यहाँ मेरे सामने में, शर्म कर रहे थे गाने के लिए। चलो अच्छा से गा, ऑल द बेस्ट, तो रिहर्स करते रहो ना। और अभी हम नीमा सर से मिलने जा रहे हैं, लाइट्स लेके आएगा, आप लोगों को भी मिलाएगा। रियली सॉरी गाइस, नीमा सर से तो नहीं मिला पाया बिकॉज हम भी भूल गया था और लाइट का थोड़ा दिख रहा था कि क्या कहे करके, एंड वी वर इन अ हरी, तो इसीलिए। बट देन अभी हम लोग यहाँ से चिकन को पिक करेगा तो उनसे आप लोगों को मिलाएगा। और बताओ चिकन कैसा है? अलग से सज के दज के आए, मतलब फॉर्मल आरो एक तो नेक्स्ट लेवल मन है। उसको ऑन करो, दस बहुत गर्म लग रहा है हमको कैसा। तो हम का गाना को हम लोग एक साथ शूट करने जा रहे थे, चिकन को भी उठा लिया क्योंकि हम लोग विद रियल फ्रेंड्स, तो हम लोग जाके वहां में अभी मचाया। दुनिया गुजरती Finally here at the Old Spirit, 13 Old Spirit, and this is the way to the pub. सबसे नीचे पे है, जैसा कि साइन बोर्ड में दिखा रहा है। Pub is this way. Really late. और कस्टमर्स तो अभी से आने शुरू भी हो गए बता रहा था। Really sorry for that as well. What's up? Really sorry man. Really sorry. All good man. तो बताओ तो हम कैसा लग रहा है हमें आके? मज़ा है, बहुत cozy है। हम लोग सिंगल रेंट रहते हैं। जी तुम बताओ कैसा लग रहा है? चलो ऐसे करो। चेंग भैया द सिनेमाटोग्राफर, एरी एलेक्सा इज रेडी, और लाइट्स का सेटअप्स कुछ इस तरह से किया गया है। तो तोगम विल बी सिटिंग हियर, नजारा कुछ ऐसा आएगा आई गेस। रियली सॉरी फॉर द सॉन्ग बट हु केयर्स, राइट? सही तो ठीक है, फिर वही पे पास कर रहा है, आई देयर ओके।
ऐसा है क्या? अच्छा लग रहा है। All right, everybody, I'm here with the man. What's up, brother Cargo? So he's one of the co-owners. तो सबसे पहले आप मेरे viewers को अपना बारे में बताओ, आपका नाम and anything here, anything. My name is Cargo, Cargo Basar. We are Eternal Spirit. And my partners are Rokin, Ado, and Tarihori. He's there, by the way. He's there. The World Cup guy. Yeah. So, yeah. It's a small place. We like to enjoy music and a very intimate experience of alcohol. Yeah. I think that's the way to put it. Okay, so one question for you. I won't take it long. What was the idea with the 13 Old Spirit? Like, how did you come up with the name? I mean, specifically speaking. It's a very long story, but long story short. Yeah, brief it. Yeah. So brief is like this. Whole our lives, we've done only two things: drinking and singing. So we figured out we could actually make it happen. So that's where 13 Old Spirit is, and the name 13 Old Spirit is dedicated to a friend of ours that we lost. So yeah, Old Spirit is basically, you know, it has two meanings. The spirit is alcohol and it's for the one. His name was Jumin Bam, man. Brother, he's asleep. So sorry for him. It's okay, man. Anyway, this was Cargo. He's like I said, he's one of the co-owners. I'm really thankful to him, Brother Cargo. Thank you for having me and your Old Spirit. तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ में लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग थोड़ा सा हम लोग प्रोमो करने आए हैं शुरू में मिला है शूट अ वीडियो एंड होपफुली यू गाइस विल एंजॉय इट। हम लोग हमें थोड़ा सा 13 Old Spirit का नज़ारा दिखाते हैं। ओके, सिंस तो हम लोग अंदर में शूट कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। सोचा कि हमें कैरियोके वाला साइड भी है, तो दिस इज द वन। कहाँ में लिखा था? कैरियोके दिस वे, बाय द वे। सो दिस इज द फर्स्ट रूम। आई नो इट्स अ बिट डार्क क्योंकि मेरा फोन का फ्लैश इज नॉट इनफ। लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश फ्रॉम अनदर फोन। परहैप्स आप लोगों को थोड़ा कुछ विजिबल हो रहा होगा। यू गाइस वांट टू कम एंड एंजॉय, डेफिनेटली अ मस्ट प्लेस। John Lennon, with this Santana, Led Zeppelin, सब है, Black Sabbath, Jimi Hendrix वगैरह। This is another room, quite fancy but nice. And also there's, I guess, another one, but ये वाला शायद से booked है for now, so I guess कोई होगा अंदर में। Let's go back to Togams and check him out कि कैसा चल रहा है अंदर में। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने कहा, थोड़ा थोड़ा समझा भी, मगर दिल ये माने कहा। बस इसकी जिद है दिल बेफिकर लापता, कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला। इस दिल की आदत यही है गिरकर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान, ये दिल बेपरवाह। कतरा कतरा हो गया दिल ये बिखरता गया,
दुनिया गुजरती रही, दुख रूप चलती रही, बस इसकी जिद है दिल बेफिकर लापता। कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला, इस दिल की आदत यही है गिरकर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग द ब्लॉग। इसी तरह का न्यू कॉन्सेप्ट से आते रहेगा, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। White boy.